तो क्या हाल है मेरे भाई लोग। तो आज भाई मैं ये नहीं बोलूँगा देखो भाई, आज मैं बोलूँगा सुनो भाई, क्योंकि सुनने में जो मज़ा आने वाला है और जो देखने में, जो देखने में मज़ा आ जाएगा वैसे, हाँ आ जाएगा आ जाएगा, पर सुनने में मज़ा आने वाला है। तो भाई सुनना ज़रूर, और फिर सुन ही रहे हो तो भाई फिर देख भी लेना। अब मैं पोचिंग की मैं आता हूँ तभी मेरे सामने। अब यहाँ मैं सीढ़ियों पे इसलिए होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे इसका बंदे का पूरा फूड सुनना था कि किधर की साइड है। जैसे ही मैं इसका फूड सुनता हूँ ना तो मार देते। अब मैं बोल रहा था सुनो भाई, तो भाई सुनो, मतलब मज़ा आने वाला है सुनने में और देखने में, तो दोनों चीज़ देख लो भाई क्योंकि फाड़ू होने वाली है ये वीडियो। अब सामने एक स्क्वायर आर्स में बंदा था, तो इधर मैं नेट कुक करता हूँ, पूरा उसी पर कुक करता हूँ, पर मेरे को लगता है कि वो बाहर नहीं था, तो इधर मैं पुश करता हूँ उस पर और उसका पहले लोकेशन देखता हूँ कि वो किधर है। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ ना, मैं मॉली करने का जैसे ट्राई करता तो भाई ये बंदा तुरंत बाहर निकलता। भाई मैं इधर तुरंत नीचे पकता क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे हाथ में गन नहीं थी। तो भाई इधर ने मेरे पे नेड था ना मॉली था, अगर नेड मॉली होता तो इस बंदे का काम हो जाता। तो भाई मैं इसका वेट कर रहा था आने का, अब इधर ही नीचे कूद जाता है। भाई सच में कभी कभी इतनी बड़ी गलती करता हूँ भाई, उसी की स्प्रे मार के मैं उसको मार रहा हूँ यार। भाई ये तो पूरी घर ही गलती है। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पर कूदता हूँ ऊपर, इतनी तो तुम्हारे भाई के पास थी, और कार लेके कूप लेके मैं यहाँ पर टेम्पल में आता हूँ लूटने के लिए। जैसे मैं आगे जाता हूँ ना, तभी भाई सामने एक बंदा था। भाई मुझे लगा ये मार देगा, पर भाई पता नहीं यार ये कौन सा नशा करा था मेरे को नहीं पता। उसके बाद ना ये पिटारा मैं इधर खोल देता हूँ, और इधर मैं तुम भाई मेरे को ESP पक्का बोलने वाले, क्योंकि आपको पता है, आपको लगता है भाई मेरे को कोई यहाँ फिट नहीं आया ना, मुझे को पता उधर बंदा, फिर भी यहाँ पे नेट क्यों कर रहा हूँ। तो भाई सुन लो भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं अपना राइट और लेफ्ट में जो तितली और कुत्ते वाला होता है ना, तो उधर मैं पक्का नेट करता हूँ, ठीक है भाई। अब ये बंदा जब नेट मार करता हूँ तो पीछे निकलता है, यहाँ पर मैं एक नेट और करता हूँ, मुझे लगता है इस साइड गया होगा, जैसे भाई मेरे नेट से फूट जाता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैं ESP यूज़ करता हूं भाई। मैं कंफर्म करता हूं, राइट और लेफ्ट में नेट करता हूं, दो दो तीन तीन, और बीच में करता हूं स्मोक, क्योंकि मुझे आगे निकलना होता है फेरो के पास, और मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेता तो रैंडम मैं यहाँ पर नेट कर देता हूँ कि बंदे की थोड़ी फटे। अब इसके बाद ना कूप लेके मैं जस्ट आगे निकल रहा होता हूँ फेरो को मार के, लूट अच्छी खासी मिलेगी तुम्हारे भाई को। तब सामने दो बंदे लड़ रहे होते हैं, तो भाई बिल्कुल जस्ट बचाए वो बंदा। उसके बाद मैं यहाँ पर रोक के, मुझे लगता है ना भाई एक बंदे ने, एक बंदा दो बंदे थे, तो एक बंदा उधर मर ही गया था और एक बंदे को मैंने मार दिया। और यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं थी, तो जैसे मैं आगे निकलता हूँ ना, तो भाई तुम रोड पर देखना एक बंदा है, मतलब मुझे लगा वो बॉट है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आगे रोकता हूँ, भाई सच में बता रहा हूँ ना, मुझे सच्चे में यह बॉट ही लगा था यार, भाई ऐसी हरकत, मतलब बीच में से ओपन सा रहा था, मुझे लगा बॉट है। तो इधर मैं सर्कल बन जाता पोचिंग की में, और इस स्क्वाड हाउस पर जॉन था, ठीक है। तो इधर मैं बंदे चेक करता हूँ, क्योंकि तुमको पता ना बॉस बंदे आजकल कैम करते तगड़ा वाला, तो मैं चेक करता हूँ स्क्वाड हाउस में कोई भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैं होल्ड कर लेता हूँ। और होल्ड करने के बाद ना अब मैं यहाँ पर करता हूँ ना सर्कल का वेट, क्योंकि भाई मुझे सर्कल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब 6 किल हो गए थे, तो गेम का इधर नाश तो नहीं करना है मेरे को, अब इधर गेम निकालना है एकदम फाड़ू, जो कि आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जोन बनता भाई मैं बग्गी लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि तुमको पता है बंदे से पहले पहुँचना होता भाई। अगर बंदे कोई घर पकड़ के बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पोचेंगी बहुत बड़ा भाई, कोई भी घर पकड़ लेंगे। तो बस मैं आगे जा रहा होता तो भाई ये घर था खाली, यहाँ पे एक भी कोई बग्गी नहीं थी, और मुझे लगता है भाई खाली होगा, कोई भी नहीं होगा, इसलिए भाई नो टेंशन में अपना ऊपर आराम से बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बैठ के ना ओम है, तो भाई कुछ तो फ़ायदा लेंगे ना भाई ब्रो इसका ओम का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं बंदे स्पॉट करता हूँ, पहले मैं बंदे देखता हूँ कि कोई दिख जाए, तो भाई इधर मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता है। तो काफ़ी होल्ड करने के बाद ना अब एक ना इधर नेट फूटता है, तो मुझे लगा यहाँ पर कोई बंदा है, तो देखता हूँ पहले ओम से। तो भाई एक बार ना मैं स्क्वाड हाउस में, पता नहीं क्यों मन में आया, मैं स्क्वाड हाउस में चेक करता हूँ, तो फॉरेस्ट बना के मैं तो मतलब देखता हूँ, तभी भाई जस्ट चूका, मतलब जस्ट थोड़ा, अगर एक पड़ता ना तो भाई टपक जाता इधर। अब इधर भी तुम मेरे को ESP बोलने वाले हो भाई, भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी ESP मैं यूज नहीं करता हूँ, ESP यूज़ नहीं करता हूँ ब्रो, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ये कंफर्म कर दे रहा हूँ, फिर आप ये वाला क्लिप देख के ना, और वो वाला क्लिप देख के पक्का ESP बोलने वाले हो। तभी यहाँ पे एक बंदा मेरे पास पुश करता है, तो भाई इधर ना इसको ओम्स का शॉट दे रहे, पता नहीं क्या यार दिमाग में आया कि ओम का शॉट बजाता हूँ। तो भाई मेरा 8x 4x बन रखा था। अब इधर मैं एक मॉली कर देता हूँ जान मुझ के, तो सोच सकता थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए वो बंदा,
और यहाँ पर मैं उस बंदे का, मैं मतलब जानबूझ के नीचे नहीं जाना चाहता हूँ कि एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस से उसे घुस के मारूँ, क्योंकि भाई मैं ऊपर हूँ तो भाई मेरे पास एडवांटेज था और उस बंदे का तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भाई, फुल कॉन्फिडेंस ये बंदा आया था। तो मैं, मेरे पे ये ड्रिंक थी तो मुझे पता नहीं भाई उसके पास होगी नहीं कि नहीं, तो मैं ड्रिंक लेके तुरंत इस पर पुश कर देता हूँ। अब भाई इस बंदे को अच्छा खासा मैं डैमेज दे दिया था, क्योंकि दो तीन हेड तो जब पड़े गए थे यार इस बंदे को यार। उसके बाद ना पोचिंकी से सर्कल हट के, पोचिंकी भी बनता है पर मेरे से हट के पोचिंकी भी सर्कल बनता है। तो भाई यहाँ पे बग्गी रोक के ना मैं ट्रिपल स्टोरी में आता हूँ, और ट्रिपल स्टोरी में चेक करता हूँ कोई बंदा तो नहीं है पहले, क्योंकि भाई तुमको पता है ना रैंक पुश चल रही है, तो रैंक पुश में तो तुमको पता है कैंपर तो पक्का होने वाले हैं। ठीक है, कैंपर नहीं बोलेंगे यार बंदों को भाई, अब रैंक पुश कर रहे हैं भाई तो यार सही बात है भाई, कैंपिंग होल्ड तो भाई होल्ड ही मान लो यार, कैंप नहीं मानेंगे। ठीक है, रैंक पुश कर रहे भाई, होल्ड तो करना चाहिए भाई। अब रैंक पुश में अगर तुम होल्ड नहीं करोगे तो भाई कब करोगे होल्ड यार, ठीक है ना। तो मैं तो जरा आने के बाद ना मेरे को बग्गी में बंदा बैठा भाई, जस्ट उसको मैं मारा एक हेड पड़ा, तो भाई उस पर बग्गी में स्प्रे डालने का मैं ट्राई किया और मुझे लगता है कि भाई इधर एक और कोई बंदा है, तो यहाँ पर मैं स्पॉट करने का कोशिश करूँगा। तभी यहाँ मेरे को एक बंदा दिखता है, तो भाई इधर चूक होता था मेरे से, तो भाई दूसरा शॉट मेरे से था चूक नहीं होता है। अब इधर मेरे पे जो था तो भाई इधर मैं आराम से होल्ड ही कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर बस बंदे देखता हूँ होल्ड करता हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पे जो था भाई। तो यहाँ बंदे को होल्ड करने के बाद ना तभी देखता हूँ भाई एक आया मेरे पे इधर नेड। अब भाई जो बंदा मेरे पे नेड कर रहा था भाई उसको मेरी इधर लोकेशन मालूम पड़ गई थी, ठीक है। अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ भाई, इधर से उधर जाऊँगा इधर से उधर जाऊँगा, मैं एक पोजीशन पर जैसे होल्ड नहीं करता हूँ। अब जैसे मैं इधर उधर जा रहा ही होता हूँ तभी सामने से बग्गी आती है, तो बग्गी वाले को तो इजी इधर मार देते हैं। उसके बाद में भाई तुमको पता है मैं इधर उधर भगूंगा, क्योंकि भाई मेरे को डर था कि वो नेड या मौली कुछ ना कर दे, अगर नेड या मौली से मर गया ना तो भाई बहुत दुख होने वाला है, पूरा गेम का नाश हो जाता है इधर, पर गेम का नाश होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो भाई इस घर में मैं आ जाता हूँ, उसके बाद ना इधर कोई बंदा नहीं था, ये सबसे बढ़िया चीज़ मेरे लिए ये था। तो यहाँ पर मैं बस बंदे देखता हूँ कि कौन किधर है, क्योंकि यहाँ चार बंदे थे। अब ये घर में एक बंदा आ जाता है तो बस मैं इस पर नेड करने का ट्राई करता हूँ, मुझे लगा इधर नीचे है, पर इधर नीचे नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि एक नेड ना मैं ऊपर भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब भाई ये इधर भी नहीं था तो भाई मुझे कन्फर्म मालूम पड़ गया किधर है, तो मैं मौली करता हूँ, क्योंकि भाई उधर भी मैं बहुत जगह बहुत बार उधर होल्ड करता हूँ, तो जैसे मौली करता हूँ भाई, तो मौली से इधर ये बंदा आराम से जल जाता है। अब तुम्हारे भाई के यहाँ 10 किलो गए थे, अब बचते कुल 3 बंदे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी देर में होल्ड करता हूँ क्योंकि मेरे पे यहाँ पर जॉन था, तो होल्ड करने के बाद गिल्ली सूट इसलिए उतारता हूँ भाई मैं, क्योंकि यार ओपन में जॉन तो है नहीं, घर पर जॉन है तो गिल्ली सूट का क्या ही काम है यार, उतार देता हूँ भाई, ठीक है ना। और वैसे भी गिल्ली सूट पहनने के बाद मोटा मोटा सा लगता है ना, तो भाई अजीब सा लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक बंदा जैसे मरा, तो भाई एक बंदा मरा, दूसरे बंदे तो फायदा लिया, दूसरा बंदा मर गए, मतलब 3 बंदे थे, 2 बंदे मर गए, अब बचता एक बंदा, और उसका मुझे लोकेशन मालूम पड़ गया था। अब तो मेरे देखना भाई, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई मैं कबर में मरा कि नहीं मरा, ये मेरे साथ हुआ क्या था। देखा भाई तुम देखो क्या सीन है भाई, तुम भाई कमेंट जरूर करना यार प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट है आप लोग से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, टाटा।